हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज आपके लिए लेकर आ गए हैं एक और ज़बरदस्त वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं दशहरा मूवी के ऑफिशियल ट्रेलर के रिव्यू के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर कोई भी इस चैनल पर नया आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। तो आइए फ्रेंड्स, टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जब दशहरा का मूवी का टीजर लॉन्च किया गया था तो हम सभी ने इसको पुष्पा का कॉपी बता दिया था। हमने अभी इसका ट्रेलर देखा भी नहीं था, लेकिन सभी इसको बोल रहे थे कि ये मूवी पुष्पा की कॉपी रहने वाली है। लेकिन फ्रेंड्स, आज इसका ट्रेलर मैंने देखा, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेलर था। इसमें आपको नेचुरल स्टार नैनी नज़र आ जाएंगे और कीर्ति सुरेश एज ए लीड एक्ट्रेस नज़र आएंगी। और फ्रेंड्स, काफ़ी ज़बरदस्त ट्रेलर लगा मुझे तो। और फ्रेंड्स, ये मूवी मैं आपको अभी लिख कर ले लीजिए, भोला मूवी को पूरी तरह से ज़बरदस्त टक्कर देने वाली है। ये भी पैन इंडिया बेस लॉन्च की जाएगी मूवी, पैन इंडिया बेस रिलीज होगी मूवी ये वाली। ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिलने वाला है फ्रेंड्स हमें इस मूवी में। और फ्रेंड्स, जैसा कि सभी ने सोचा था कि पुष्पा का कॉपी रहने वाला है, ट्रेलर देखने के बाद मेरा ये ओपिनियन पूरी तरह से चेंज हो चुका है। फ्रेंड्स, ये पुष्पा की कॉपी तो बिल्कुल भी नहीं रहने वाली, मैं आपको गारंटेड लिख कर दे देता हूँ। आप जब भी इसका मूवी को देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि ये पुष्पा की कॉपी नहीं रहेगी। और जब ट्रेलर हम देखते हैं तो उसमें कम्प्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट नज़र आता है पुष्पा से। इसमें हमें नेचुरल स्टार नैनी दिखाए गए, जो कि कम्प्लीटली फ्रेंड्स एक अलग ही अवतार में नज़र आ रहे हैं। इससे पहले उनकी काफ़ी मूवीज आई हैं, लेकिन हमें उनका इतना वायलेंट अवतार देखने को नहीं मिला। और फ्रेंड्स, इस मूवी में हम उनका कम्प्लीटली चेंज रोल देखेंगे और कम्प्लीटली वायलेंट अवतार देखने को मिलेगा नेचुरल स्टार नैनी का, जो कि बहुत ही खतरनाक रोल में नज़र आ रहे हैं। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि शायद कुछ रिवेंज थ्रिलर मूवी रहने वाली है। नैनी इस मूवी में शायद अपनी फैमिली का कुछ रिवेंज लेंगे। और अगर फ्रेंड्स वायलेंट मूवी की बात करें तो मुझे तो लग रहा था कि शायद इस साल की सबसे वायलेंट मूवी हमें रणबीर कपूर स्टारर एनिमल देखने को मिलेगी, जो कि संदीप रेड्डी वांगा बना रहे हैं। इससे पहले उन्होंने कबीर सिंह भी बनाई थी, जो कि काफ़ी वायलेंट मूवी थी। और एनिमल का जो हमने फर्स्ट लुक पोस्टर देखा था, तो उससे लगता था कि शायद कम्प्लीटली फुल वायलेंट मूवी ऑफ द ईयर रहने वाली है एनिमल की, एनिमल। लेकिन फ्रेंड्स, ये मूवी का ट्रेलर देखकर इसका ओपिनियन फिर से दोबारा से चेंज हुआ और मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा वायलेंट रहने वाला है इस मूवी में। और फ्रेंड्स, आपने इस मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक देखा है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है फ्रेंड्स। पूरी तरह से KGF और पुष्पा को टक्कर दे रही है फ्रेंड्स ये मूवी। और बाकी जब मूवी रिलीज होगी तो उसके बाद ही हमें मालूम पड़ेगा कि इस मूवी का कंसेप्ट कैसा है। लेकिन ये पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि ये मूवी, जो कि 30 मार्च को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है, भोला मूवी को पूरी तरह से टक्कर देगी और ये भोला मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस पर भी बहुत ज़्यादा असर डालेगी। बाकी अगर आपने अभी तक इस मूवी का ट्रेलर नहीं देखा तो आप इस मूवी का ट्रेलर ज़रूर देखें और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि फ्रेंड्स 30 मार्च को आप कौन सी मूवी देखने वाले हैं, भोला या दशहरा। आगे की वीडियोस की अपडेट के लिए आप मेरे साथ बने रहे। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।